कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको मतलब कि ना मैं परसों आई थी बुआ घर और कल तो मेरा सारा दिन इतना बकवास निकला कि मेरे को परसों रात को हो गया फीवर 101 और मेरे को पता है कि मैंने कैसे कल हैंडल किया। फीवर साथ में मेरा गला भी दुखने लग गया, मेरे को खांसी लगी और कफ हो गया साथ में, ठीक है। तो सब कुछ इसी के कारण मैं कल सारा दिन लेटी रही, बस एक मूवी देखी और बाकी मतलब पंजाबी मूवी देखी थोड़ा बहुत, बाकी मेडिसिन्स लेने ही बाहर निकली थी। तो आज क्या स्पेशल है, मैं अपनी स्कूल फ्रेंड के साथ जा रही हूँ आज मार्केट फर्स्ट टाइम लाइफ में। तो मैंने उसको बोला क्योंकि मेरा भी बर्थडे आने वाला है तो क्या हम दोनों चले मार्केट स्टॉक वगैरह चेक करने। तो वो बोली हाँ ज़रूर, कोई बात नहीं, मैं चल पड़ूँगी। तो मेरे को जैसा ड्रेस स्टाइल चाहिए तो मैं वो देखने जा रही हूँ, मिलता है कि नहीं मिलता, नहीं तो फिर मैं आ जाऊँगी शॉप से। सो आपको मैं सारे दिखाऊंगी, देखिएगा। थैंक यू। मैं खा रही हूँ खाना, फिर मैंने खुशबू को बोल रखा कि ये उधर है भी, ये मेडिसिन लिया। मैंने बताया ना कि जैसे मैं बहुत यार मेरे को अचानक से 101 टेम्परेचर हो गया। अभी भी लॉग्स पोस्ट करे थे पिछले बीमार होने के पेट दर्द वाले, और साथ में ये हो गया। ये देखो कितनी डोज दी थी ये रात को डॉक्टर ने, दो टैबलेट्स थी रात को लेनी थी, एक टैबलेट इसके साथ और तीन इसमें और थी, ठीक है। और सेम एज फॉर शाम को और सुबह। अब मैं साथ में मूवी देख रही हूँ अमेजोन प्राइम में, शावानी के तालियाल, और साथ में खा रही हूँ रोटी। तो ये मेरी फ्रेंड खुशबू आ चुकी है, अब हम जा रहे हैं। पहले इसको बैंक में कोई काम था तो हम पहले इधर आए हैं। तो हम मोगा की मेन मार्केट यानी कि बाग गली पहले आ चुके हैं। ये हम दोनों ने ना वैसे ही पंगे से लिए थे ट्विनिंग कर करके, हम सेम टॉप्स चाल के और फोटोशूट वगैरह कर रहे थे ट्रायल रूम में। हम वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसे पंगे लेने के लिए दोनों इकट्ठे आए थे। हम यहाँ से हो चुके हैं फ्री, हमने एक दो टॉप्स ट्राई किए थे, अब हम नेक्स्ट शॉप पे जा रहे हैं टिप टॉप। अब हम आए इधर, ये सेकंड हम टिप टॉप पे आए थे, यहाँ पे बिल्कुल अच्छा कुछ नहीं मिला। थर्ड शॉप पे अब टेप पे आया, वो देखो क्या बनता है यहाँ पे, बेइज्जती करवाई है। गाइस हम दोनों ऑक्टेवा मेडियम से आ चुके हैं, कुछ नहीं पसंद आया, कुछ नहीं, बस मॉम एंड किड थे बिल्कुल ठीक थी फर्स्ट वाले, उधर कलेक्शन बहुत बढ़िया से जरूर जाइयो। टिकटॉक वाले तो बड़े बकवास है, खुशबू लगी शॉप पे चले खाने। खुशबू मैनू बड़ी चलाकी ना किडनैप करके लेके जा रही है गाइस, तो मैं समझ आ गया तेरे आवे कि मैं छोड़ दूं, मैं ना किडनैप हो जा रही है गाइस, लेके जा रही हूं। दादी ना
अब हम आए खुशबू के घर। गाइस अब हम होने वाले हैं जुदा। मैं आ चुकी हूँ घर पे। बोलने का मन ही नहीं है। अब मैं बस अपनी गली में पैदल जा रही हूँ पहुँचने वाली अपने घर। तबीयत ख़राब होने के कारण मैं बुआ के घर से भी आ गई। मैंने कहा बुआ मेरे आ जा रहा है। अभी कालू मेरे साथ साथ चल रही थी, पता नहीं कहाँ रह गई। बिठाई हुई हाँ बैठी है कमरे च। एक किधर वाली उधर ही कमरे के मोड़ते था मैं बैठा सी। किधर गिरदा है मेरे ना पापा को भी नहीं बिल्कुल पता कि आगे तो पापा को हर बार पता होता है क्योंकि दुकान पे ही उतरती हूँ ना, बस स्टैंड के साथ ही है। तो आज क्या बस वाले ने बीच में ही उतार दिया तो मैं सीधा घर ही आ गई, दुकान पे नहीं गई। वहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस पड़ रहा था तो मैंने सोचा घर ही चली जाती हूँ, इतना पैदल चलना ही है। तो जब मैं आई घर तो मम्मा को भी मैंने ये नहीं बताया था कि मैं वहाँ से चल पड़ी हूँ। तो और मैं सारा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई रास्ते में क्योंकि फटाफट बस आ गई, फटाफट बुआ ने मुझे चढ़ाया रास्ते बस में। तो मैंने कहा क्या ही करना, लोग ऐसे अजीब अजीब सा देख रहे थे। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, क्या रिकॉर्ड करना। फिर अभी मेरी थोड़ी सी हेडेक हो रही है और पापा को भी नहीं पता। ब्रेक में जब रूम में आया अचानक से मैं बैठी हुई थी, कहता हैं तू किधर आ गई ये और, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं था। हाँ थोड़ा सा आइडिया मैंने दिया था कि मेरा ना यहाँ बुखार हो रहा है तो मैं इसलिए घर आ ही जाऊँगी। तो मैं फिर घर आ गई पर ये नहीं बताया था कितने बजे चलना है एंड ऑल। तो अब मैं बस हाँ यार एक मेरे को और चीज़ पता चली, डेजी लीली के आगे दो बच्चों की तो डेथ हो गई थी, एक डेजी का और लीली का। और अब लीली के एक और बच्चे की डेथ हो गई, अब लीली के पास सिर्फ एक और डेजी के दो बच्चे ही रह गए। मतलब इतना और है ना बेचारी हूँ, सिर्फ टोटल तीन बच्चे रह गए। ठंड है ना, ठंड के कारण उनके बच्चों की डेथ हुई जा रही है, तीन बच्चों की डेथ होगी, तीन रह गए वहाँ पे रखी हुई है बेचारे बिल्कुल। देखो यार बाकी तीन सही रहे। नानी की बोलते थे लो डेजी लीली, ये लीली का बच्चा मुड़े बैठिए बैठिए जाई नहीं ऊपर। तेरा बच्चा देता सी, चा मम्मा ने कहा चा